गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया, मैं बोल नहीं सकता उसी चौक में, मैं बोल जब रहा था तब देखा उसको, देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं, मैं कोई किरायेदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए, किरायेदार से बुरी स्थिति हो गई? क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कहा कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत रूखे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने राज्यसभा से उनकी विदाई के सिलसिले में दिए भाषण के दौरान आतंकवाद से संबंधित घटना को याद करते हुए करुणा भाव दिखाया। कांग्रेस ने पार्टी छोड़ने के बाद आजाद पर आरोप लगाया था कि वह मोदी में हो गए हैं। कई नेताओं ने पिछले साल फरवरी में राज्यसभा में दिए मोदी के भाषण का हवाला देकर उन पर निशाना साधा था, जिसमें मोदी ने आजाद को सच्चा मित्र बताते हुए उनकी तारीफ की थी। इस दौरान मोदी की आंखों में आंसू छलक आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2007 में जम्मू कश्मीर में गुजरात के लोगों को ले जा रही एक बस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद आजाद से हुई बातचीत का जिक्र किया था। उस समय मोदी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। आजाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी विदाई के मौके पर मोदी के भावुक भाषण को कुछ जाहिल कांग्रेसियों ने अलग ही रंग दे दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ने सदन में जो भावनाएं व्यक्त की थी वे एक दुर्घटना को लेकर थी, ना कि एक दूसरे को लेकर। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं तो मोदी जी को रूखा आदमी समझता था, सोचता था शादी नहीं की। आजाद ने कहा, जब गुजरात के मुख्यमंत्री ने मुझे फोन किया तो मैं जोर जोर से रो रहा था। उन्होंने मुझे रोते हुए सुना और उन्हें बताया गया कि फिलहाल तो बात नहीं कर सकता। उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी की टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने आवाज़ मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको ठीक ही कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, हॉस्पिटल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया, फिर सीएम दिन भर फोन करते थे, कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे दो जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी है, जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें नाराजगी नहीं दिखाई ना, किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो, तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया, मैं बोल नहीं सकता उसी चौक में, मैं बोल जब रहा था तब देखा उसको, देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं। मैं कोई किरायेदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए, किरायेदार से बुरी स्थिति हो गई? क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, और जिस जहाँ घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए।